Hi student, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the MICR code. तो MICR code के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और MICR code को रीड कौन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो MICR बेसिकली क्या होता है ना, जो बैंक में आजकल जो चेक होता है उसको क्लियर करने के लिए MICR code का यूज होता है. ये एक स्टेट बैंक का चेक है और इस चेक को क्लियर करने के लिए आजकल बैंक में ये जो चेक होता है उसके नीचे में एक कोड होता है. ये 9 डिजिट का जो कोड दिख रहा है ना, इसी को MICR कोड बोलते हैं. और इस 9 डिजिट में फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है ना, वो जो बैंक है किस शहर में है उस कोड को रिप्रेजेंट करता है, और मिडिल 3 डिजिट जो है बैंक का कोड को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट 3 डिजिट जो है बैंक जो है वो किस ब्रांच में है, मतलब जो ब्रांच है बैंक का उस ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है चेक नंबर है. तो MICR कोड जो होता है 9 डिजिट का होता है और ये जो होता है चेक क्लियरेंस पर्पस के लिए होता है. अब बात रहा कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है. तो MICR का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. और MICR कोड, ये जो MICR कोड है कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित कोड है. MICR कोड का उपयोग हम लोग बैंक में चेक क्लियर में करते हैं. MICR कोड चेक के नीचे, ये क्या है, चेक है, और चेक के नीचे जो है लास्ट लाइन जो है चेक के नीचे एक लाइन में लिखा होता है जिसे MICR बैंड बोलते हैं. इसको हम लोग MICR बैंड बोलते हैं. RBI इस कोड का उपयोग बैंक ब्रांच की पहचान और चेक पास करने में करते हैं. इस कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है. MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का उपयोग करते हैं. ये जो क्या है, ये जो बैंक का जो चेक है इसमें MICR कोड जो प्रिंटेड है उस MICR कोड को रीड करने के लिए हम लोग MICR रीडर का उपयोग करते हैं. ये क्या है, एक MICR रीडर है. और ये रीडर क्या करता है, MICR कोड जो चेक पे प्रिंटेड होता है उसको रीड करने का काम करता है. और MICR कोड 9 डिजिट का होता है. हम लोग ऐसा ये जो चेक है इसको देख सकते हैं कि इसमें जो MICR कोड है 9 डिजिट का है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में शामिल बैंक ब्रांच का पहचान नंबर होता है. इन 9 डिजिट में फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है शहर को रिप्रेजेंट करता है, और मिडिल 3 डिजिट जो होता है बैंक का कोड होता है, और लास्ट 3 डिजिट जो होता है बैंक का जो ब्रांच है उसको रिप्रेजेंट करता है. अब हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी बैंक का MICR कोड हमको सपोज पता करना है, तो कैसे पता करेंगे. गूगल पे हम लोग जाएंगे और गूगल पे जाकर हम लोग लिखेंगे www.bankifscode.com. तो हम लोग ये वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम लोग अपना सेलेक्ट करेंगे बैंक का नाम. सपोज बैंक हमने स्टेट बैंक सेलेक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फिर हमने यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट किया बिहार. फिर हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा. डिस्ट्रिक्ट सपोज हम लखीसराय सेलेक्ट करते हैं, लखीसराय. और ऐसे ही ब्रांच हमने सपोज सेलेक्ट किया बढ़िया है तो बढ़िया को सेलेक्ट किया. तो अब देखिए हमारे पास ये डिटेल टोटल आ गया कि SBI बैंक है ये, जिसका एड्रेस ये है स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट दिस, ये ब्रांच बढ़िया, कॉन्टैक्ट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, और ये जो हो गया MICR कोड. तो MICR ये क्या है, MICR कोड है किसका, बढ़िया ब्रांच का, लखीसराय जो है, लखीसराय में जो SBI बैंक है बढ़िया में, उसका ये MICR कोड है. तो ये बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और ये जो है स्टेट बिहार में है, और लखीसराय यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये बढ़िया लोकेशन का, तो MICR कोड ये है. तो ऐसे हम लोग किसी भी बैंक का MICR कोड पता कर सकते हैं. अब सपोज दूसरा हम चाहते हैं
स्टेट बैंक का ही सपोज आरा का, तो बिहार तो सही है, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसको रिफ्रेश किए, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट आरा सब सेलेक्ट कर लिए, आरा आरा डिस्ट्रिक्ट सपोज भोजपुर सेलेक्ट किए हम लोग भोजपुर, और हम लोग ब्रांच सपोज आरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए MICR कोड आ गया ये, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम लोग, ये प्रोसेस है MICR कोड पता करने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज बारकोड रीडर, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बारकोड रीडर के बारे में। तो ये बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और ये एक इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर, जिसका काम होता है बारकोड को रीड करना, बारकोड को रीड करना। तो बारकोड क्या होता है, देखिए ये जो है ना, ये एक बारकोड है। अब बारकोड होता क्या है, बारकोड एक नंबर, नंबरों और लाइन्सों से बना एक मशीन रीडेबल कोड होता है। बारकोड जो होता है बनता है विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड लाइन्स, एंड इट इज मशीन रीडेबल कोड, जिसका यूज हम लोग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने में और किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बारकोड का फॉर्मेट जो होता है नंबर और लाइन्स में रहता है, इसमें कुछ लाइन खींची होती है और कुछ नंबर लिखा होता है। बारकोड की मदद से कंपनी, कोई भी कंपनी होती है ना, अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकती है, उनके स्टॉक लेवल का पता लगा सकती है। बारकोड में जो इमेज बनी होती है वह दरअसल इमेज नहीं होती है, बल्कि एक कोड होता है, जिसे केवल बारकोड रीडर ही पढ़ सकता है। उस कोड में प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्राइस, टाइप, डेट, लोकेशन, यह सभी बार, और ये जो है ना बारकोड रीडर द्वारा रीड करके कंप्यूटर में सेव कर दी जाती है। अब बारकोड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, अब बारकोड का इस्तेमाल कंपनी जो अपने एसेट को ट्रैक करने में करती है, और ये जो है आजकल शॉप्स पे भी यूज होती है, इन ऑर्डर टू क्विकली इनपुट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू कंप्यूटर। तो आजकल ये बारकोड जो है सिस्टम यूज होता है शॉप्स में भी, आप लोगों ने देखा होगा स्पीड पोस्ट में, पोस्ट ऑफिस में भी इसका यूज होता है स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस में भी इसका यूज हो रहा है आजकल, पैकेजिंग करने के लिए भी हो रहा है, पैकेज ट्रैकिंग के लिए भी होता है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी इसका यूज आजकल हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अगर अपना बारकोड बनाना चाहते हैं, अगर यूजर, अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट का बारकोड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो सपोज मान लीजिए एमएस एक्सेल हम खोल रहे हैं, और हम एक प्रोडक्ट के लिए हम क्या करना चाहते हैं, बारकोड बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस जो है 500 रुपीज़ है, 500 है, और प्रोडक्ट जो है ना का लोकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है हैदराबाद लोकेशन में बना है, और प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रोडक्ट का मान लीजिए ये है, राइट। ऐसे ही जो भी डिटेल है प्रोडक्ट का हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और अब हम लोगों को करना है क्या, बारकोड जनरेट करने के लिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरल में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन है, अब उस प्रोडक्ट का हम लोग बारकोड सपोज यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या है, इक्वल टू डबल कोट स्टार डबल कोट देन M%, देन सेलेक्ट दिस सेल, सेल वाई दिस सेल, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए हमको बारकोड जनरेट करना है। तो इस प्रोडक्ट का, इस जो प्रोडक्ट है इसका डिटेल कहाँ पे, इस सेल्स में, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन M%, देन डबल कोट, देन स्टार एंड देन दिस, प्रेस एंटर नाउ, सो सेलेक्ट दिस वन एंड कम इन द दिस फॉन्ट,
and in the font select the barcode. This barcode font. Now for this product the barcode is generated. In this way we can generate the barcode for any प्रोडक्ट, ये किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग बारकोड इसी तरीके से जनरेट करते हैं। ये जो सेल है इस सेल में सपोज प्रोडक्ट का डिटेल हम लोग सब कुछ डाल देंगे, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कब हुआ, प्रोडक्ट का एक्सपायरी क्या है, प्रोडक्ट तो जो भी हमें यूजर को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे और इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग बारकोड जनरेट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग बारकोड जब जनरेट करते हैं ना तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे जो फॉन्ट है फॉन्ट में जब जाइएगा तो वो बारकोड का जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने का वो नहीं आएगा, जैसे ये जो ऑप्शन है नहीं आएगा, आपके कंप्यूटर में ये हो सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, हमको सीधे हम लोग जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे टाइप करेंगे da font.com और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बारकोड, उस बारकोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बारकोड सब दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी कोड 39 बाई मार्क TAN लिखा है ये एक बारकोड है और इस बारकोड को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे, इस ये क्या है एक विनरार फाइल है तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस ये जो आया है ना इसको हम लोग पहले यहाँ पे न्यू फोल्डर में कर दिए और इसको अब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आया, अब इसको हम लोग इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, इंस्टॉल करना होगा तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। यहाँ पर ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद जब कीजिएगा ना तो ये फॉन्ट में ये जो है आपको दिखेगा, देखिए ये दो या मेरे सिस्टम में दो फॉन्ट आ रहा है बारकोड का, क्यों, क्योंकि मैंने दो अलग अलग बारकोड इंस्टॉल किया। वैसे ही आप भी यहाँ से da font.com में बारकोड में गए, ये डिफरेंट बारकोड आ रहे हैं, जो बारकोड को डाउनलोड कीजिएगा वही बारकोड आप और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिएगा, जो जो बारकोड वही बारकोड आपको फॉन्ट सेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे वही फॉन्ट में वही बारकोड दिखेगा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा पूरा हमारे पास बारकोड कैसे जनरेट करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कि कैसे हम लोग OCR क्या होता है, नया टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OCR क्या होता है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस ये क्यों यूज करते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फोटो या कोई लेटर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक फोटो है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उस दूसरा मान लीजिए आपका आपके पास कोई लेटर है जो कि प्रिंटेड लेटर है, तो उसको आप स्कैन करने पर वो फोटो के फॉर्म में सेव होता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन OCR क्या करेगा, OCR इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे OCR क्या करेगा कि ये फोटो को स्कैन करके आपको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है और उसमें आपको कोई भी चेंजेस आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस अगर कुछ उसमें एडिट भी करना है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जब हम लोग स्कैन करते हैं तो वो सिर्फ स्कैन होने के बाद फोटो के फॉर्म में सेव हो जाता है, उसमें कोई चेंजेज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई चेंजेज भी करना चाहते हैं तो OCR के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक डिवाइस है, OCR रीडर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में स्कैन करके और उसमें कोई भी चेंजेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो
अब इसको हम लोग OCR को प्रैक्टिकली समझेंगे, कैसे कर सकते हैं OCR, कैसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, हम गए गूगल पे और यहाँ पे हम लोग लिखे क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल, इसको ओपन किए हम लोग। अब हम लोग जाते हैं, ये जो सेक्शन है, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग इसका प्रिंट स्क्रीन लेते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन, हमारे कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है, उसको की है, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस किए अब जाके हम लोग पेंट में जाकर इसको सेव करते हैं। और हम लोग इतना ही, ये जो टेक्स्ट लिखा हो ना, उसी को हम लोग एज ए इमेज में सेव करते हैं। तो ये सेव कर रहे हैं, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, सपोज सेव एज, ये डेस्कटॉप कर दिए और फाइल का नाम दे दिए CMIS, और ये फाइल का टाइप JPG, और सेव कर दिए, इसको बंद किए, ये भी बंद कर दिए, ये भी बंद। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये एक इमेज फाइल है, ये एक इमेज फाइल है और इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि इसको हम लोग एडिट करना चाहते हैं, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, आप इसको एडिट नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OCR परफॉर्म करना पड़ेगा। अब OCR परफॉर्म हम लोग किस कैसे करेंगे, OCR रीडर के थ्रू करेंगे। OCR रीडर एक डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, जो कि इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एडिटेबल फॉर्म में, और जो भी हमको चेंजेज करना है, जो भी मिस्टेक अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं भी है, तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग के पास कोई OCR रीडर डिवाइस नहीं है, डिवाइस खरीदेंगे तो हम लोग को पता लगेगा। तो ऑनलाइन हमारे पास OCR के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिना ये डिवाइस, OCR रीडर डिवाइस के बिना भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन OCR रीडर डिवाइस ये क्या करता है, ये कन्वर्सन करता है, लेकिन वो डिवाइस क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो हम लोग उसको खरीदने नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे newocr.com पे जाएंगे और इस पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो फाइल है, ये जो इमेज फाइल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किए, यहाँ पे ऑल फाइल है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अपने फाइल का नाम लिखेंगे CMIS, सेलेक्ट किए, एक इमेज फाइल है .jpg, इसीलिए लिखा हुआ रहा, ओपन किया इसको, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट था, ये जो इमेज था वो ये है, राइट, यही हमारा इमेज है। अब हम इस पे OCR परफॉर्म करेंगे, ये तो इमेज है, इसमें कोई एडिट हम लोग कर नहीं सकते, कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पे OCR परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे, थ्रू द वेबसाइट, newocr.com वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन सेम काम ये कौन करेगा, OCR रीडर करेगा। OCR रीडर इस टेक्स्ट को, इमेज टेक्स्ट को रीड करेगा, और वो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। अब क्या करेंगे, OCR पे क्लिक करेंगे, अब OCR पे क्लिक करने के बाद OCR ने ये दिया हमको, मतलब ये वेबसाइट हमको ये दिया। अब OCR रीडर क्या करता है, इसको दे देता ओपन करके, ये जो आया है ना, इसको OCR रीडर रीड करके दे देता, ठीक है, वो इमेज फाइल को, ये OCR रीडर इस इमेज फाइल को रीड करके ऐसे हमको दे देगा, ठीक है। अब हम इसमें कोई चेंजेज करना चाहते हैं, तो इसमें एडिट ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। OCR रीडर क्या करेगा, OCR रीडर इसे टेक्स्ट फाइल को ओपन करके दे देगा एडिट मोड में, मीन्स कोई भी उसमें चेंजेज करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मिस्टेक है एनी, तो एनी को हम लोग बदल सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग एडिट ऑनलाइन पे क्लिक किए। तो यहाँ पे आए, अब देखिए ओपन विथ, ओपन विथ, इसमें हम लोग कोई चेंजेज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे भी वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलेंगे, राइट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए।
अब जान मान लीजिए ये हमारे पास आया डिटेल। अब फॉर एग्जांपल हम लोग क्रिएटिव माइंड्स जो है फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे लिखना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं। फ्रॉम दिस सेशन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द क्लास 9 ऑल्सो, राइट। ये कुछ भी है लिख दिए, कोई टेक्स्ट है अगर ऐड करना है ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऐड करना है बिहार के बाद झारखंड, तो झारखंड हम लोग राइट, तो बिहार के बाद झारखंड ऐड करना चाहते थे। और सपोज हम लोग यही है राइट, अब हम लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर OCR होने के बाद कंप्लीट ये आ गया। अब इसको हम लोग को एडिट कर ओपन करना है, तो ये हमारा फाइल है ठीक है। अब देखिए हम लोग ये पोर्शन क्या किए, ऐड किए थे राइट, और यहाँ पे देखिए झारखंड ऐड किए थे कहीं यहाँ पे, तो वो भी एडिट होके आ गया। और देखिए हमारा ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल हमारा ये फाइल था, ओरिजिनल हमारा ये इमेज फाइल था। अब इस इमेज फाइल में हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन OCR करने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग OCR वी आर गेटिंग दिस ए टेक्स्ट फाइल। तो ये जो अब देखिए इसमें क्या था, कंटेंट आप मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्रिएटिव माइंड यहाँ से स्टार्ट है, सेम कंटेंट यहाँ से यहाँ स्टार्ट है, और यहाँ पे बिहार के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे बिहार के बाद मैंने झारखंड ऐड किया है, MP के बाद झारखंड, MP के बाद झारखंड, दिस एंड दिस बिहार, बिहार के बाद मैंने झारखंड ऐड किया था तो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्रिएटिव माइंड से पहले क्या है, फ्रॉम दिस सेशन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द क्लास 9, तो ये आ गया। तो OCR के थ्रू हम लोग यही कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द OCR।